नमस्कार दोस्तों, हक इन क्रेज सॉफ्टवेयर की कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है व्हाइल लूप और उसकी एक्सप्लेनेशन। तो व्हाइल लूप क्या होता है, किस तरीके से व्हाइल लूप का हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, तो ये सब आज हम इस प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल में जान सकेंगे। और आइए सीखते हैं व्हाइल लूप। सो गाइस, व्हाइल लूप सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाला एक लूप है, यानी कि ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये कंडीशन के अकॉर्डिंग उस लूप को, यानी कि उस टास्क को बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये कोड ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। आप देख भी सकते हैं मैंने लिखा हुआ है रिपीट्स आ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू और इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर द एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। तो सिंपल है ये, इसका हम सिंटैक्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सिंटैक्स में हम देख सकते हैं व्हाइल और ब्रैकेट में लिख रहा है कंडीशन, यानी कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक क्या काम करेगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, तब तक ये कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले अपनी टेस्ट कंडीशन करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और इंक्रीमेंट करेगा, दोबारा से चेक करेगा कंडीशन को, और अगर अपनी कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो अपने ये जो व्हाइल लूप में है इस व्हाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो ये था फ्लो चार्ट व्हाइल लूप का। सो गाइज, एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाइल लूप और इसका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, बहुत ही छोटे और इफेक्टिव प्रोग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है हमारा व्हाइल लूप और किस तरह से काम करता है। तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, और उसके बाद मेन फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ void main, और void main के बाद मैं क्या करूँगा, ऑब्वियस ही बात है मैं लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा। तो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर i इक्वल टू 1, क्लियर। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्लियर स्क्रीन अप्लाई किया है और क्लियर स्क्रीन अप्लाई करने के बाद मैंने व्हाइल लूप लगाया और व्हाइल में यहाँ पर दिया कंडीशन, व्हाइल आई छोटा है या बराबर है 10k, अगर हमारा आई छोटा है या बराबर है 10k तो प्रिंट कर देगा परसेंटाइल डी और स्लैशर लगाकर मैंने आई को प्रिंट करा दिया है और आई में दिया है एक इंक्रीमेंट और यहाँ पर दे दिया है गेट सी एच, क्लियर। अब क्या है कि मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखता हूँ कि क्या इसका आउटपुट रिप्रेजेंट हो रहा है। देखिए, मैंने कंपाइल किया है, कोई गलती नहीं है, नो एरर। अब इसको रन करता हूँ मैं। अब रन करने पर देखिए, इसने 1 से लेके 10 तक की सारी काउंटिंग अपने को रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसने क्या काम किया है, वाइल कंडीशन चेक किया है, सबसे पहले आई की वैल्यू थी 1 और इसने 1 प्रिंट किया, उसके बाद i++, दैट मीन 1 का इंक्रीमेंट लगाया यहाँ पर, और इंक्रीमेंट के बाद क्या हो रहा है, कंडीशन आई की वैल्यू हो चुकी है 2, जबकि कंडीशन ट्रू है तो इस वजह से 2 भी प्रिंट हो गया, फिर 3 प्रिंट हुआ, इस तरीके से 10 तक प्रिंट हुआ। और जब कंडीशन आई, जब आई यानी कि आई की वैल्यू हमारी हो चुकी थी 10 और 10 के इक्वल हो चुका था हमारा पर्टिकुलर आई की वैल्यू, तो उसने वो 10 प्रिंट करा और इंक्रीमेंट की वजह से वो क्या हो गया, 11, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इस वजह से वो टर्मिनेट कर गया लूप और हमारी 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो जैसा कि हमने देखा, इसका आउटपुट आ रहा था 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर मैं इसको लाइन बाई लाइन चेक करा के आपको शो करता हूँ तो देखिए, मैं F8 दबा रहा हूँ इसके लिए। सबसे पहले मेन फंक्शन पर आया, उसके बाद इंटीजर आई इक्वल टू 1 इसने लिया, उसके बाद क्लियर स्क्रीन किया, उसके बाद वाइल लूप, वाइल कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है इस वजह से इसने प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया। आप देख सकते हैं कि ब्लैक ब्लैक कलर का अपने को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिस लाइन पर है। उसके बाद दोबारा से वाइल पर आया, दूसरी बार प्रिंट किया, तीसरी बार आया, तीसरी बार प्रिंट किया, चौथी बार प्रिंट किया, पांचवी बार प्रिंट किया, छठी बार प्रिंट किया, सातवीं बार प्रिंट किया, आठवीं बार प्रिंट किया, नौवीं बार प्रिंट किया और ये इसने दसवीं बार प्रिंट किया। अब क्या है, आपने देखा 10 के बाद ये सीधे यहाँ पर गेट सी एच पर आ गया, बिकॉज कंडीशन इज फॉल्स। तो ये था हमारा व्हाइल लूप। और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद क्या आया, मैंने F8 ही प्रेस किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी की सारी काउंटिंग डिस्प्ले कराती है। तो ये था दोस्तों हमारा व्हाइल लूप। तो दोस्तों, आशा करता हूँ व्हाइल लूप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज़ इस पर लाइक हिट कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि वो भी ये सब कुछ सीख सकें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकें।
और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, जिससे कि आपको आपके मोबाइल पर और आपकी मेल बॉक्स पर मैं नोटिफिकेशन सेंड कर सकूं कि मैंने नई वीडियो अपलोड करी, आप देख सकते हैं। और आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर अदर वीडियोज़ के रिगार्डिंग भी आपको कोई डाउट है। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, हक एंड क्रेज सॉफ्ट टेक क्योर्स। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।